ओम नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जय मुदीरे। संक्षिप्त ब्रह्म वैवर्त पुराण श्री कृष्ण जन्म खंड उत्तरार्ध अध्याय 86 केदार कन्या के वृत्तांत का वर्णन। नंद जी ने पूछा, प्रभो आपने स्त्रियों के प्रसंग से केदार कन्या का प्रस्ताव करके कर्म विभाग का वर्णन किया, अब विस्तार पूर्वक केदार कन्या का चरित्र बतलाइए। वह केदार कन्या कौन थी? भूपाल केदार कौन थे? किसके वंश में उनका जन्म हुआ था? यह विवरण सहित मुझे बतलाने की कृपा कीजिए। श्री भगवान ने कहा, नंद जी, सृष्टि के आदि में ब्रह्मा के पुत्र स्वयंभु मनु हुए। उनकी स्त्री का नाम शत्रुपा था, जो स्त्रियों में धन्या और माननीय थी। उन दोनों के प्रियव्रत और उत्तानपाद नाम के दो पुत्र हुए। उत्तानपाद के पुत्र महायशस्वी ध्रुव हुए। ध्रुव के पुत्र नंद सावर्ण और नंद सावर्ण के पुत्र केदार हुए। स्वयं श्रीमान केदार विष्णु भक्त तथा सातों द्वीपों के अधिपति थे। उनकी रक्षा के लिए वे प्रतिदिन राज दरबार में सुंदर रूप रंग वाली सीधी नौजवान गायें, जिनके सींगों में सोना मढ़ा गया था, ब्राह्मणों को दान करते थे। प्रातःकाल से लेकर सायंकाल तक ब्राह्मणों को भोजन कराते थे। दुखियों और भिक्षुओं को यथोचित धन देते थे और स्वयं राजा विष्णु भक्ति परायण हो इंद्रियों को काबू में करके फल मूल का आहार करते हुए सब कुछ मुझे समर्पित करके रात दिन मेरा जप करते थे। तदनंतर लक्ष्मी अपनी कला से कामिनियों में श्रेष्ठ कमल नैनी कन्या के रूप में उनके यज्ञ कुंड से प्रकट हुई। उनके शरीर पर अग्नि में तपाकर शुद्ध किया हुआ वस्त्र था और वे रत्नों के आभूषणों से विभूषित थीं। उन्होंने राजा से यूं कहा, महाराज मैं आपकी कन्या हूँ। तब राजा ने भक्तिपूर्वक उसकी भली भांति पूजा की और उसे अपनी पत्नी को समर्पित करके वे चुपचाप खड़े हो गए। तदनंतर वह कन्या हर्षपूर्वक विनती करके और माता पिता की आज्ञा ले तपस्या करने के लिए यमुना तट पर स्थित रमणीय पुण्य वन को चली गई। वह वृंदा का तपोवन था, इसीलिए उसे वृंदावन कहते हैं। वहां तपस्या करके उसने वरों में श्रेष्ठ मुझको वर रूप से वरण किया। तब ब्रह्मा ने उसे वरदान दिया कि कुछ काल के पश्चात तू कृष्ण को प्राप्त करेगी। फिर ब्रह्मा जी ने उसकी परीक्षा के लिए धर्म को एक परम सुंदर तरुण ब्राह्मण के रूप में उसके पास भेजा। वहां जाकर धर्म ने कहा, मनोहरे तुम किसकी कन्या हो? तुम्हारा क्या नाम है? यहां एकांत में तुम क्या कर रही हो? यह मुझे बतलाओ। सुंदरी तुम क्या चाहती हो और किस लिए यह तपस्या कर रही हो? तुम्हारा कल्याण हो। तुम्हारे मन में जो अभिलाषा हो वह वरदान मांगो। वृंदा बोली, विप्रवर मैं केदार राज की कन्या हूँ। मेरा नाम वृंदा है। मैं इस वृंदावन में वास करती हूँ, एकांत में तपस्या कर रही हूँ और श्री हरि को अपना पति बनाने की चिंता में हूँ। अतः ब्राह्मण, यदि तुम्हारे में ऐसा वरदान देने की शक्ति हो तो मेरा अभीष्ट वर मुझे प्रदान करो, अन्यथा यदि तुम असमर्थ हो तो अपने रास्ते जाओ। तुम्हें यह सब पूछने से क्या लाभ? धर्म ने कहा, वृंदे जो इच्छा रहित तर्कणा करने के अयोग्य ऐश्वर्यशाली निर्गुण निराकार और भक्त अनुग्रह मूर्त हैं, उन परमात्मा को पति बनाने के लिए लक्ष्मी और सरस्वती के अतिरिक्त दूसरी कौन स्त्री समर्थ हो सकती है? वैकुंठशायी चतुर्भुज भगवान की ये ही दो भार्याएं हैं। गोलोक में भी जो द्विभुज बंशी बजाने वाले किशोर गोप वेशधारी परपूर्णतम श्री कृष्ण हैं, उनकी पत्नी स्वयं परात्परा महालक्ष्मी राधा हैं। वे परब्रह्म स्वरूपिणी राधा उन श्याम सुंदर की जो परम आत्मबल से संपन्न ऐश्वर्यशाली श्यामपरायण और परम सौंदर्यशाली हैं, जिनका सुंदर शरीर करोड़ों कामदेवों के सौंदर्य की निंदा करने वाला
अमूल्य रत्नाभरणों से विभूषित सत्य स्वरूप और अविनाशी हैं तथा जो रमणीय पीताम्बर धारण करने वाले और संपूर्ण संपत्तियों के दाता हैं, सदा सेवा करती रहती हैं। वे श्री कृष्ण देवभुज और चतुर्भुज रूप से दो रूपों में विभक्त हैं। वे स्वयं चतुर्भुज रूप से वैकुंठ में और द्विभुज रूप से गोलोक में वास करते हैं। 25,000 युग बीतने के बाद इंद्र का पतन होता है। ऐसे 14 इंद्रों का शासनकाल लोकों के विधाता ब्रह्मा का एक दिन होता है, उतनी ही बड़ी उनकी रात्रि होती है। ऐसे 30 दिन का एक मास और 12 मास का एक वर्ष होता है। ऐसे 100 वर्षों तक ब्रह्मा की आयु समझनी चाहिए। उन ब्रह्मा की आयु समाप्ति जिनका एक निमेश होता है, सनक आदि महर्षि जिनकी जीवन पर्यंत सेवा करते रहते हैं परंतु करोड़ों करोड़ों कल्पों में भी जो एवो श्राद्ध नहीं होते, सहस्त्र मुखधारी शेषनाग अरवों खरवों कल्पों तक जिनकी भक्ति पूर्वक रात दिन सेवा तथा नाम जप करते रहते हैं परंतु वे परात्पर दुराराध्य हितकारी भगवान साध्य नहीं होते। जो ब्रह्मा वेदों के उत्पादक विधाता फलदाता और संपूर्ण संपत्तियों के दाता हैं, वे प्रत्येक जन्म में उन ब्रह्मस्वरूप अविनाशी सनातन देव का सदा अपने चारों मुखों द्वारा स्तवन करते रहते हैं परंतु वेदों द्वारा निर्वचनीय काल के काल तथा अंतक के अंतक उन भगवान को सिद्ध नहीं कर पाते। वृंदे जो अपनी कला से रुद्र रूप धारण करके जगत का संहार करते हैं, पांचों मुखों से उनकी स्तुति करते हैं, जिनसे बढ़कर भगवान को दूसरा कोई प्रिय नहीं है। उनके द्वारा जब भगवान साध्य नहीं होते तब दूसरे की क्या बात है। वृंदे जो सर्वशक्ति स्वरूपा दुर्गतिनाशिनी परम ब्रह्म स्वरूपिणी ईश्वरी मूल प्रकृति नारायणी विष्णु माया वैष्णवी और सनातनी हैं, जिनकी माया से भ्रमणशील जगत सदा चक्कर काटता रहता है, वे दुर्गा भी जिन देव की भक्ति पूर्वक रात दिन स्तुति करती रहती हैं, गजानन गणेश और 6 मुख वाले स्वामी कार्तिक भी भक्ति सहित यथाशक्ति जिनका स्तवन करते हैं, जिनकी सर्वप्रथम पूजा होती है, जो संपूर्ण देवताओं के स्वामी और ज्ञानियों के गुरु हैं, जिन गणेश से बढ़कर सिद्धेंद्र देवेंद्र योगेंद्र और ज्ञानियों के गुरुओं में कोई विद्वान नहीं है, जो गणों के स्वामी और देवताओं के अधिपति हैं, वे भगवान गणेश जिनका ध्यान करते हैं, परमेश्वरी सरस्वती जिनका स्तवन करने में असमर्थ हैं, लक्ष्मी रात दिन जिनके चरण कमल की सेवा करती हैं, जिनके कटाक्ष से सारा जगत परिपूर्णतम एवं कल्याणमय है, जिनके भय से वायु चलती है, जिनके भय से सूर्य तपते हैं, इंद्र वर्षा करते हैं, अग्नि जलाती है और मृत्यु प्राणियों में विचरण करती है, जिनकी सेवा करने से पृथ्वी सबकी आधार स्वरूपा तथा धन की भंडार हो गई है, सुंदरी जिनसे भयभीत होकर समुद्र और पर्वत निश्चल रूप से अपनी अपनी मर्यादा में स्थित रहते हैं, जिनके चरण कमल की सेवा से गंगा देवी तीर्थों की सार रूपा पवित्र मुक्तिदायिनी और लोकों को पावन करने वाली हो गई है, जिनके स्मरण और सेवन से तुलसी देवी पवित्र हो गई है तथा नवग्रह और दिक्पाल जिनके प्रताप से डरते रहते हैं, सारे ब्रह्मांडों में जो जो ब्रह्मा विष्णु शिव तथा अन्य अन्य सुरेश्वर शेष आदि तथा मुनिगण हैं, उनमें से कुछ परमात्मा श्री कृष्ण के कला स्वरूप कुछ अंश रूप और कुछ कलांश रूप हैं। कल्याण तुम उन्हीं परमेश्वर को जो प्रकृति से परे हैं अपना पति बनाना चाहती हो परंतु वे गोलोक में केवल राधिका द्वारा साध्य हैं, दूसरा कोई कभी भी उन्हें सिद्ध नहीं कर सकता। इतना कहकर छद्म वेशधारी धर्म ने उसकी परीक्षा के लिए प्रचुर भोग सुख का प्रलोभन दिया और अपने को ही पति रूप में स्वीकार करने का अनुरोध किया। फिर धर्म उसकी ओर बढ़े। ऋजेश उनका विचार केवल उसके सतीत्व को जानना था। उनकी यह चेष्टा देखकर उस राजकन्या के मुख और नेत्र क्रोध से वक्र हो गई। तब वह हितकारक सत्य योगयुक्त यशस्कर एवं धर्मार्थ वचन बोली। श्री वृंदा ने कहा,
महाभाग धैर्य धारण कीजिए, आप तो जातियों में श्रेष्ठ ब्राह्मण हैं। ब्राह्मणों का स्वभाव तपोमूलक, सत्यपरक, वेदविरति और धैर्यशाली होता है। पराई स्त्री के प्रति आकर्षित होना तो अधर्मियों का स्वभाव है। हे प्रवर, अधर्म से ही दुष्ट को अमंगल का दर्शन होता है, तत्पश्चात वह शत्रु पर विजय लाभ करता है और फिर समूल नष्ट हो जाता है। फिर बलपूर्वक पतिव्रताओं के साथ व्यभिचार करता है, वह मातृगामी कहलाता है और उसे तुरंत ही 100 ब्रह्म हत्या का पाप लगता है, यह निश्चित है। जब तक सूर्य चंद्रमा की स्थिति है तब तक वह कुंभी पाक में यातना भोगता है। यमदूत उसके मस्तक पर लोहे के डंडे से प्रहार करते हैं। वह खौलते हुए तेल में जलाया जाता है, परंतु उसकी सूक्ष्म देह से प्राण विलग नहीं होती। यह क्षणिक सुख चिरकालिक दुख का दाता और सर्वविनाश का कारण है। इसीलिए धर्मात्मा पुरुष अगम्या के गमनजन्य दुख की इच्छा नहीं करती। अतः ज्ञान दुर्बल ब्राह्मण, आपका कल्याण हो, मुझे क्षमा कीजिए और अपने रास्ते जाइए। जैसे दीपक की लौ देखकर फतिंगा निश्चय ही उस पर टूट पड़ता है, लोभी मीन और मृग कांटे के अग्रभाग में मिष्टान्न को देखकर उसे निगलना चाहता है। भूखा मनुष्य विष मिश्रित भोजन को खा जाता है और दुष्ट मुख पर छलछलाते हुए दूध वाले दूषित विष कुंभ को ग्रहण कर लेता है। उसी तरह लंपट पुरुष पराई स्त्री के मनोहर मुख कमल को, जो विनाश का कारण है, देखकर मोहवश भ्रांत हो जाता है। स्त्रियों का सुंदर मुख, दोनों नितंब तथा स्तन काम वासना के आधार, नाश के कारण और अधर्म के स्थान हैं। जो लार और मूत्र से संयुक्त है, जिसमें से दुर्गंध निकलती है, जो पाप तथा यमदंड का कारण है, स्त्रियों का वह मूत्र स्थान अर्थात यौन नरक कुंड के सदृश है। ब्राह्मण, एकांत देखकर जो तुम मेरी दर्शना करना चाहते हो तो यही समस्त देवता, लोकपाल, कर्मों के शासक तथा साक्षी जाज्वल्यमान धर्म, स्वयं श्री हरि द्वारा नियुक्त दंडकर्ता यमराज, स्वयं धर्मात्मा श्री कृष्ण, ज्ञान रूपी महेश्वर, दुर्गा, बुद्धि, मन, ब्रह्मा, इंद्रियां तथा देवगण उपस्थित हैं। ये संपूर्ण प्राणियों में उनके कर्मों के साक्षी रूप से वर्तमान हैं। अतः अज्ञानी ब्राह्मण, कौन सा स्थान गुप्त है और कौन सा रहस्यमय? विप्र, तुम्हारा कल्याण हो, मुझे क्षमा कर दो और जाओ। मैं तुम्हें भस्म कर डालने में समर्थ हूँ, परंतु ब्राह्मण अवध्य होते हैं। अतः वत्स, तुम सुखपूर्वक यहाँ से चले जाओ। द्वेज, तपस्या करते हुए मुझे 108 युग बीत गए। अब न तो मेरे पिता का गोत्र ही रह गया है और न मेरे माता पिता ही हैं। सबके अंतरात्मा स्वरूप भगवान श्री कृष्ण मेरी रक्षा करते हैं। श्री कृष्ण द्वारा स्थापित धर्म नित्य मेरी रक्षा में तत्पर है। सूर्य, चंद्रमा, पवन, अग्नि, ब्रह्मा, शंभु, भगवती दुर्गा, ये सभी सदा मेरी देखभाल करते हैं। जिन्होंने हंसों को श्वेत, शुकों को हरा और मयूरों को रंग बिरंगा बनाया है, वे ही मेरी रक्षा करेंगे। सभी देवता अनाथों, बालकों तथा वृद्धों की सर्वदा रक्षा करते हैं। अतः नारी समझकर धर्म मेरा परित्याग करके नहीं जा सकते। इसके बाद श्री वृंदा ने पतिव्रत धर्म की महिमा और दुराचार की निंदा करके कोप प्रकाश पूर्वक शाप दे दिया। दुराचार, तुम्हारा नाश हो जाए। पापिष्ट, तुम नष्ट हो जाओ। इतना कहकर जब पुनः शाप देने को उद्यत हुई तब स्वयं सूर्य ने उसे यत्न करके रोक दिया। इसी बीच वहां ब्रह्मा, शिव, सूर्य और इंद्र आदि देवता आ पहुंचे। सबने उससे क्षमा मांगी और धर्म तुम्हारी परीक्षा के लिए आया था, उसमें तनिक भी पाप बुद्धि नहीं थी। धर्म के नाश से जगत के सनातन धर्म रूप जीवन का नाश हो जाएगा, यह कहकर धर्म को जीवन दान देने की प्रार्थना की। तब वृंदा ने कहा, देव, मैं नहीं जानती थी कि ये ब्राह्मण वेशधारी धर्म हैं और मेरी परीक्षा करने के लिए आए हैं। इसी कारण मैंने क्रोधवश इनका नाश किया है। अब आप लोगों की कृपा से मैं अवश्य धर्म को जीवन दान दूंगी। ब्रजेश्वर, यूँ कहकर वह वृंदा पुनः बोली, यदि मेरी तपस्या सत्य हो तथा मेरा विष्णु पूजन सत्य हो तो उस पुण्य के प्रभाव से ये विप्रवर यहाँ शीघ्र ही दुख रहित हो जाएं।
यदि मुझ में सत्य वर्तमान हो और मेरा व्रत सत्य तथा तप शुद्ध हो तो उस पुण्य तथा सत्य के प्रभाव से ये ब्राह्मण कष्ट रहित हो जाए। यदि नित्य मूर्ति सर्वात्मा नारायण तथा ज्ञानात्मक शिव सत्य हैं तो ये द्विजवर संताप रहित हो जाएं। यदि ब्रह्म सत्य हो, सभी देवता और परमा प्रकृति सत्य हो, यज्ञ सत्य हो और तप सत्य हो तो इन ब्राह्मण का कष्ट दूर हो जाए। इतना कहकर सती वृंदा ने धर्म को अपनी गोद में कर लिया और उन कला रूप को देखकर वह कृपा परवश हो रुदन करने लगी। इसी बीच धर्म की भार्या मूर्ति जो शोक से व्याकुल थी सिर के बल विष्णु के चरण कमल पर गिर पड़ी और यों बोली। मूर्ति ने कहा, हे नाथ, आप तो करुणा सागर हैं, दीन बंधो मुझ पर कृपा कीजिए। कृपा मूर्ति जगन्नाथ, मेरे पति देव को शीघ्र जीवित कर दीजिए, क्योंकि जो नारी पति से हीन हो जाती है वह इस भव सागर में पापिनी समझी जाती है। उसकी दशा नेत्रहीन मुख और प्राण रहित शरीर के समान हो जाती है। माता पिता, भाई बंधु और पुत्र तो परमित सुख देने वाले होते हैं, सर्वस्व प्रदान करने वाला तो सामर्थ्यशाली पति ही होता है। इतना कहकर मूर्ति देवी वहाँ खड़ी हो गईं और विलाप करने लगीं। तब भगवान जो सर्वात्मा एवं प्रकृति से परे हैं वृंदा से बोले। श्री भगवान ने कहा, सुंदर, तुमने तपस्या द्वारा ब्रह्मा की आयु के समान आयु प्राप्त की है, वह अपनी आयु तुम धर्म को दे दो और स्वयं गोलोक को चली जाओ, वहाँ तुम तपस्या के प्रभाव से इसी शरीर द्वारा मुझे प्राप्त करोगी। सुमुखी, गोलोक में आने के पश्चात वाराह कल्प में तुम राधा की छाया भूता वृषभानु की कन्या होगी, उस समय मेरे कलांश से उत्पन्न हुए रायाण गोप तुम्हारा पाण ग्रहण करेंगे, फिर रास क्रीड़ा के अवसर पर तुम गोपियों और राधा के साथ मुझे प्राप्त करोगी। तब राधा श्रीदामा के श्राप से वृषभानु की कन्या होकर प्रकट होंगी, उस समय वे ही वास्तविक राधा रहेंगी, तुम तो उनकी छाया स्वरूपा होगी। विवाह के समय वास्तविक राधा तुम्हें प्रकट करके स्वयं अंतर्धान हो जाएंगी और रायाण गोप तुम छाया को ही ग्रहण करेंगे, परंतु गोकुल में मोह आच्छन्न लोग तुम्हें यह राधा ही है ऐसा समझेंगे। उन गोपों को तो स्वप्न में भी वास्तविक राधा के चरण कमल का दर्शन नहीं होता, क्योंकि स्वयं राधा मेरी गोद में रहती हैं और उनकी छाया रायाण की भार्या होती है। इस प्रकार भगवान विष्णु के वचन सुनकर सुंदरी वृंदा ने धर्म को अपनी आयु प्रदान कर दी। फिर तो धर्म पूर्ण रूप से उठकर खड़े हो गए। उनके शरीर की कांति तपाए हुए स्वर्ण की भांति चमक रही थी और उनका सौंदर्य पहले की अपेक्षा बढ़ गया था। तब उन श्रीमान ने परात्पर परमेश्वर को प्रणाम किया। उन्हें वृंदा ने कहा, देवगण, मेरे वचन को जिसका उल्लंघन करना कठिन है सावधानतया श्रवण करो। मेरा वाक्य मिथ्या नहीं हो सकता। मैंने क्रोधावेश में जो तीन बार क्षयो भव तुम्हारा नाश हो जाए ऐसा वचन कहा है और पुनः कहने के लिए उद्यत होने पर सूर्य ने मना कर दिया था, उसका फल यूं होगा। यह धर्म सत्य युग में जैसे पहले परिपूर्ण था उसी तरह इस समय भी रहेगा, परंतु त्रेता में इसके तीन पैर, द्वापर में दो पैर और कलयुग के प्रथमांश में एक पैर रह जाएगा। कलयुग के शेष भाग में यह कला का षोडशांश मात्र रह जाएगा। सत्ययुग आने पर यह पुनः परिपूर्ण हो जाएगा। मेरे मुख से तीन बार क्षय शब्द निकला है, इसलिए उसी क्रम से क्षय भी होगा। मन में पुनः कहने का विचार करने पर सूर्य ने रोक दिया था, इसी कारण यह धर्म कलयुग की समाप्ति में कलामय ही रह जाएगा। नंद जी, इसी बीच देवताओं ने वेग पूर्वक गोलोक से आए हुए एक अत्यंत सुंदर एवं शुभ रथ को देखा। उस रथ का निर्माण अमूल्य रत्नों द्वारा हुआ था। उसमें हीरे के हार लटक रहे थे और वह मणि माणिक के मुक्ता वस्त्र, श्वेत चंवर भूषण और सुंदर रत्न जटित दर्पणों से विभूषित था। उस रथ को देखकर वृंदा ने हरे, शंकर, ब्रह्मा तथा समस्त देवताओं को नमस्कार किया और फिर उस पर सवार हो वह गोलोक को चली गई। तत्पश्चात सभी देवता अपने अपने स्थान को चले गए। अब तुम्हारी पुनः क्या सुनने की इच्छा है? संक्षिप्त
ब्रह्म वैवर्त प्राण श्री कृष्ण जन्म खंड उत्तरार्ध अध्याय 86 संपूर्ण। जय राधा माधव।